was little bit good but service wasn't good. That's all. बिल्कुल जीरो है, जीरो। पहले ये देखिए मैं कहाँ पे हूँ, माशाल्लाह। तो ये जामिया मस्जिद है दिल्ली का। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दिस इज़ योर फ्रेंड दानिश शफी एंड वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। तो जी, आज का जो सफ़र है काफ़ी लंबा होने जा रहा है, डायरेक्ट कश्मीर से दिल्ली तक, ठीक है। तो वहाँ पे एक ज़रूरी काम है, वो भी आपको आगे पता चलेगा, फ़िलहाल सरप्राइज़ रहेगा। तो पहले मैं अभी मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन अनंतनाग पे, तो बानिहाल तक मैं ट्रेन में जाऊँगा, तो उसके बाद फिर आगे का सफ़र जो है जारी रखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आगे, लेट्स गो। हम रेलवे स्टेशन बानिहाल, यू कैन सी ये रेलवे स्टेशन है और ये वादियाँ देखिए ज़रा। तो यहाँ से हमने स्कॉर्पियो ली है बराबर जम्मू तक, उसके बाद फिर देखेंगे वहाँ से क्या मिलेगा। तो ये है गाड़ी, इसमें मुझे सफ़र करना है जम्मू तक। तो आगे बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। यू कैन सी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रामबन। जी हाँ, ये जो आपके स्क्रीन पे है ये है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रामबन, जो कि बहुत ही बढ़िया पावर प्रोजेक्ट है। 900 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है ये, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 850 मेगावाट बनेगा सवालकोट में। होप करते हैं वो जल्दी से तैयार हो जाए, ठीक है। लिया है, लेकिन यहाँ की जो एकोमोडेशन है, जो ये होटल है पीछे, तो इसकी एकोमोडेशन बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पे। तो ये जो होटल है सरमुली में है, मैं अपनी कश्मीर के भाइयों को और बाहर के लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे खाना मत खाए, क्योंकि यहाँ पे जो एकोमोडेशन वो ज़ीरो है, ठीक है। पहले पैसे लेते हैं, उसके बाद फिर कोई बात नहीं सुनता है, ठीक है। तो हर किसी से रिक्वेस्ट है कि आप बानिहाल या काजीगुंड में खाना खाए, यहाँ बिल्कुल मत आना, ठीक है। ये हमारे साथ अंकल है, इसकी जो पोस्टिंग है वो है कश्मीर में। सर, आपने यहाँ पे खाना खाया सरमुली में, आप एक्सपीरियंस बोलिए आइडेंस को, क्या है यहाँ पे? ये है ताज प्लाजा, उधमपुर जम्मू हाईवे पे है। सर्विस बढ़िया नहीं है, फूड वॉज लिल बिट गुड बट सर्विस वॉजेंट गुड, दैट्स ऑल। बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो। चलो, तो ये देखिए कितनी ट्रक्स लगी हुई है यहाँ पे। कश्मीर की जो मईशत है इस साल तबाह हो चुकी है, हम ये कहेंगे ये कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे कितना जाम है, बिना वजह गाड़ियों को रोका दिया जाता है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है इस बार कश्मीर को, इसका ज़िम्मेदार कोई भी नहीं है, हम खुद हैं, ये आप समझ सकते हो कैसे हैं, ठीक है। तो देख सकते हो किसी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं है, बिकॉज़ अननो रीज़न है,
आगे जो हमने रोड देखा था बिल्कुल क्लियर था, अभी पता नहीं क्यों इन गाड़ियों को रोका दिया जाता है। तो होप करते हैं आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे, मेरी रिक्वेस्ट है एलजी साहब से। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूं जम्मू। तो ये रहा जम्मू बस स्टैंड का बाहर का नज़ारा। तो यहाँ से अभी लेनी है और एक गाड़ी, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले कुछ खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है अभी। हाँ जी, तो फ्रेंड्स दिन के 3 बजे हम पहुँच चुके थे जम्मू, उसके बाद थोड़ा सा काम था यहाँ पे, वो फिनिश करके आज आप बज चुके हैं 8 और हमने डिनर किए यहाँ पे और टिकट निकाली दिल्ली की तरफ, यू कैन सी। तो यहाँ से जो फेयर है जम्मू टू दिल्ली वो है 1200 रुपये, 1500 हो रहा था, फिर मैंने 1200 में सीट ले ली, सिंगल सीट है, शेयरिंग में नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं आगे का सफ़र। हाँ जी, तो फ्रेंड्स खाना हो चुका है, अब हम जाएंगे डायरेक्ट दिल्ली। तो यहाँ पे स्लीपर आ चुकी है, ये वाली स्लीपर है, इसमें मैं डायरेक्ट जाऊँगा वहाँ पे। तो ये जी है स्लीपर, मेरा जो सीट है वो है सीट नंबर 1, ये रहा, ये मेरी सीट है यहाँ पे। तो इस तरह की होती है ये स्लीपर। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे आप सब लोग, आज दूसरा दिन है। तो मैं कल 8:30 को घर से निकला था और 8:30 आज यहाँ दिल्ली पहुँचा हूँ। पहले ये देखिए मैं कहाँ पे हूँ, माशाल्लाह। तो ये जामिया मस्जिद है दिल्ली का सबसे लार्जेस्ट मस्जिद इंडिया की, यू कैन सी माशाल्लाह। तो यहाँ पहले थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेते हैं, तो उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। पहले बिरयानी खाते हैं, ये मत सोचना कि मैं इसके लिए यहाँ पे आया हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा मैं किसके लिए आया था यहाँ पे। तो पहले ये ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो जो मेरी जर्नी थी वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं किस काम के लिए आया था वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। फ़िलहाल मैं पहुँचा हूँ रेड फोर्ट पे, ठीक है, ये है रेड फोर्ट। तो इसका और जामिया मस्जिद का, रेड फोर्ट का और जामिया मस्जिद का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो होप करता हूं आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर आपको लगता है मैंने थोड़ी सी मेहनत की तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को फॉरवर्ड करना, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉरवर्ड करना। तो मिलते हैं कभी और किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, इसके बाद बहुत अच्छा व्लॉग आने वाला है। तो तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।